न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद सहित कांग्रेस से बेहट सीट विधायक नरेश सैनी व सहारनपुर के देहात सहारनपुर सीट से कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर सहित सपा में शामिल को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बैठक से पहले विधायक मसूद अख्तर का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल इमरान मसूद के फैसले पर सारा दामोदरा टिका हुआ है। हम सभी इमरान मसूद के साथ हैं। आगरा के थाना ताजगंज के एक होटल में रविवार को दो युवकों ने खुर्जा की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती ने आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस युवती को थाने ले आई और युवती को मेडिकल के लिए भेजा। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी 112 नंबर से कि एक महिला ने सूचना दी कि मेरे साथ दो व्यक्तियों ने गलत काम किया, तो इस पर हम लोगों ने कहते हैं तत्काल महिला से पूछताछ की, तो ये प्रकाश में आया है कि ये महिला उस व्यक्ति के टच में है और कई बार ये आगरा उनके साथ आई हैं, कई और जगह भी गई हैं। अब उस व्यक्ति की निशानदेही कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रही है। ये किसी होटल का मामला है किसी? हाँ, इन्होंने बताया कि कई बार जब आई हैं तो अलग अलग होटलों में रुकी हैं और अपने आप को उसकी मित्र बता रही हैं और ये भी कह रही हैं कि उसका नंबर भी है, उसके नंबर के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। महोबा में बीते चार दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हैरान परेशान किसानों ने जनप्रतिनिधियों आला अधिकारियों से मुआवजे की मांग की है। तो वहीं सदर विधायक ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की है। ये ऐसा है कि ये तो प्रकृति की मार है। पहले दिन जो पानी बरसा उससे ये लगा कि हमारा भला हुआ है, किसानों का भला हुआ है, पानी की सिंचाई से किसान बच गया है। और निश्चित तौर पे पहले एक दो दिन की बारिश से तो किसानों का भला हुआ था, लेकिन अब अतिवृष्टि और ओलावृष्टि होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत नुकसान है मेरा। अच्छा। मैं मतलब मैं वही देख के डरू हूँ, का बच्चा ना खवाऊँ, पनवाली का रहने वाला, पनवाली को रहने वाला। अच्छा, अभी कहाँ पर खड़े हैं? अभी ये खड़ी है फसल ने। गोरखपुर में पशु तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल राप्ती नगर से लेकर चार गवां करीम नगर तक पशु तस्करों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज पशु तस्करों के द्वारा क्षेत्र के दर्जनों गायें गुम हो रही हैं। वहीं आज सुबह 3 बजे करीब करीम नगर चौराहे से सरवन यादव की 2 गायों को जबरदस्ती घर के अंदर से निकालकर गाय को लादकर ले गए। जब परिवार ने विरोध किया तो गोली मारने की धमकी देते हुए गायों को लेकर चले गए। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? माता जी, कितनी गाय गई आपकी? 3 गाय गई हैं बाबू। पशु तस्कर ले गए? हाँ। 5 बजे एक दाई खुद पकड़ना हमारा, तो गाय हम जब उठा लिया है तो एक गाय हमारे बच गई है। ओके, पकड़ा था गाय को आगे ले गए ना स्पोर्ट कॉलेज के तरफ यहाँ, ओकरे बाद वहाँ से गाय मुड़ना फतेहपुर ले गई है। और 100 नंबर हमने सूचना दिया तो आए बताए कि क्या बात है। हमने कहा हमारी गाय गायब हो गई, तो कह रहे हैं कब गायब हुई, हम कहे ठीक है अभी गायब हुई है, तो कह रहे हैं ठीक है उसको चले गए। फिर 100 नंबर गाड़ी हम दिया, गाड़ी पे मैजिक पे गाय लग के जा रही थी। लखीमपुर खीरी में आचार संहिता लागू होने के बाद भी सपा के पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा महात्मा बुद्ध लोक कल्याण महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा में हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। ना तो कोरोना नियमों का ध्यान रखा गया और आचार संहिता की खुलेआम जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में संज्ञान लिया। ये पूरा मामला निघासन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज एक राजनीतिक दल के द्वारा कुछ लोगों को एकत्रित करके जनसभा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा वहां एकत्रित लोगों को घर भेज दिया गया एवं कार्यक्रम के आयोजकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही।
जौनपुर में कांग्रेस पार्टी के नेता एवं पूर्व विधायक नदीम जावेद के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत ही सभी राजनीतिक दलों की पार्टियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना होता है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा अपने वाहनों में हूटर का प्रयोग करना, साथ ही पार्टी का झंडा भी लगाया जाना, क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? सीमांत विकासखंड जोशीमठ में कोरोना विस्फोट होने के साथ ही ओली रोपवे के 27 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 27 कर्मचारियों को कोरोना इनकी टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते नगर में हड़कंप मचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जनपद में एक भी कोरोना का मामला सक्रिय नहीं था। इन कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कोविड टेस्ट करवाए गए थे। अचानक से रविवार को इन कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में भय का माहौल बन गया। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि सभी 27 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया और मेडिकल टीम द्वारा सभी को उपचार भी भेज दिया गया है। चमोली में लगातार हो रही बारिश तो वहीं ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे कि मौसम विभाग द्वारा अनुमान सटीक साबित हो रहा है। वहीं आज सुबह से फिर से ऊंचे इलाकों में फिर से जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है, जिससे आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। आज पाणा गांव में बहुत बर्फबारी हुई है, जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। जैसे आप देख सकते हैं 8-7 इंच तक बर्फ गिर गई है और ग्रामीणों के जो पानी के नल है वो जाम हो चुके हैं और जैसे रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और ग्रामीण कुदाल फावड़ा लेकर गांव के बीचों के जो रास्ते हैं उनको बना रहे हैं, बर्फ हटा रहे हैं, गांव जो रास्ते में गिर रखे हैं उनको हटा रहे हैं। खबर थराली से है। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही झमाझम बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही शानदार बर्फबारी का लोगों के साथ ही पर्यटकों का आनंद का ठिकाना नहीं है। रूपकुंड क्षेत्र के पर्यटक बेस कैंप लोहागंज और वाण में दर्जनों पर्यटकों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और वो यहाँ के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ लोग आग जलाकर ठंड दूर भगाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बात करें यहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की, तो लोगों की दिनचर्याओं में बारिश और बर्फबारी ने खलल तो डाला है, परंतु लास्ट फूडों के दौर में लुप्त होती जा रही कुछ पुरानी व स्थानीय उत्पादित चीज़ों को लोगों ने पुनः ठंड से बचने के लिए पर्यटकों व नई पीढ़ी के सामने पकवान बनाकर परोसा है। और यहाँ पे आज जो रमाझम जो है बर्फ़ पड़ी है, वाणगांव में जो है 2 फीट बर्फ हो चुकी है और लोहाजंग जो बेकल ताल भ्रमताल का बेस कैंप है यहाँ पे भी जो है 1/2 इंची और 1 फीट होने वाला है बर्फ़ और भ्रमताल में जो है कि काफ़ी बर्फ़ हो चुका है। ट्रैकर यहाँ पे खूब अमूमन मज़ा ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ़ फेंक रहे हैं और लोकल हमारे वाण गांव में जो है कि सारे लोग आजकल चौलाई जो है एक रामदाना है जिसको सदयुग में जो है राम यूज़ करते थे और उसकी याद जो है लोगों को आने लगी है और चौलाई के लड्डू बना रहे हैं। जो सुंदर बर्फगिरी है जिसका हमारे जो पर्यटक आए थे काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और बेकनताल और ब्रह्मताल का दृश्य कुछ और ही है। लोग काफ़ी 60 से 70 लोग अभी बेकनताल ब्रह्मताल का एंजॉय कर रहे हैं और हमारी जो पुरानी संस्कृति चौलाई के लड्डू बनाना और भटों के डुबके बनाना सब लोग उसमें जुड़े हैं। पैतृक चीज़ें जो थी वो याद आने लगी लोगों को और हल्की सी धूप फिर आने लगी है। लगभग सुंदर दृश्य सुबह से काफ़ी 3-4 बजे से बर्फबारी शुरू है यहाँ पे बेगनताल और ब्रह्मताल लोहाजंग कैंप में। काफ़ी टूरिस्ट प्रफुल्लित हो रहे हैं यहाँ पे।
यहां फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। इसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। कोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। चाय की चुस्कियां गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। बाय मम्मी, बाय पापा। इससे अच्छी शुरुआत क्या भला हो सकती है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट। दिन भर के बड़े डेवलपमेंट्स, दिन भर की पॉजिटिव खबरें। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया पारुल त्यागी के साथ और काजल नारायण के साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल
समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी थाने में राजेश कुमार सहायक कोषाधिकारी कोषगार पौड़ी द्वारा थाने में एक तहरीर में नियुक्त लिपिक नितिन रावत के खिलाफ दर्ज कराई गई कि नितिन रावत के द्वारा विभिन्न पेंशनरों की पेंशन की धनराशि 15,36,365 रुपए की अनियमित भुगतान प्राप्त कर गबन करने और शासकीय पत्रावलियों को गायब किया है। तहरीर के आधार पर पौड़ी थाना पुलिस द्वारा नितिन रावत लेखा लिपिक के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष पौड़ी विनोद गोसाई ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ये सहायक कोषाधिकारी श्री राजेश कुमार कोषागार पौड़ी से आए थे, जिनके द्वारा कल हमारे थाने पर एक मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो लेखा कार्मिक नितिन रावत, उनके द्वारा जो है अपने खातों में विभिन्न पेंशन धारकों के नाम से जो है वो जो पेंशन की धनराशि है लगभग 15 लाख वो उनके अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में जमा कराई गई। संत कबीर नगर के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य के मद्देनजर शंभुनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पुलिस के सभी जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां दी गई। डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव के नेतृत्व में शंभुनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल की कुशल टीम ने जवानों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव की माने तो रात दिन समाज को सुरक्षा देने वाले पुलिस के जवानों की सेहत का ध्यान रखना हम डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी है। पुलिस के जवानों के पास समय का अभाव रहता है, इसलिए हम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पुलिस लाइन में कर रहे हैं और इसी प्रकार समय समय पर शंभुनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जवानों की सेहत बेहतर रखने के लिए पुलिस लाइन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता रहेगा। आचार संहिता का पालन कराने के लिए संत कबीर नगर में जिलाधिकारी और दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ जो है सड़क पर उतर चुके हैं और जिन राजनीतिक दलों के पोस्टर और जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सड़क पर उतर चुका है। हमारे साथ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी हैं, जानते हैं मैडम क्या अभियान चल रहा है। ये देखिए, ये आदर्श चुनाव की संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है तो हम यही देख रहे हैं कि कहीं पब्लिक प्लेस में किसी पोलिटिकल पार्टी के कोई बैनर पोस्टर ना लगे हों और सभी से मेरी अपील है कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस है और कोविड गाइडलाइंस है उन सभी का पालन करें। इसी के परिपेक्ष में कल हम लोगों की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी है, यदि उन्हें किसी नियम में कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो कल हमसे कर लें, उसके बाद हम लोग यदि कहीं वायलेशन होगा तो लगातार मुकदमे भी दर्ज कराएंगे इस पर। पुलिस कप्तान हमारे साथ डॉक्टर कौशव, उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अभियान है और क्या रणनीति है, क्या मैसेज देना अपील करना चाहेंगे। जी, ये आचार संहिता के अंतर्गत जो है सभी बैनर और पोस्टर हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है अधिक से अधिक संख्या में उसको करवाया जा रहा है और आचार संहिता के अंतर्गत जितने भी नियम हैं उनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा और सभी से अपील भी है कि कोविड का भी ध्यान रखें और आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये हमारे साथ जो है जिला प्रशासन संत कबीर नगर पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि आचार संहिता का उल्लंघन जो करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संत कबीर नगर का जिला प्रशासन आचार संहिता का पालन करने के लिए जो है मुस्तैद दिख रहा है और सड़क पर उतर चुका है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो है भी उल्लंघन करता नजर आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ मन सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। पीलीभीत शहर के नामची नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही के चलते एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद शव मांगने पर 35,000 रुपए पहले ही ले चुके हॉस्पिटल प्रबंधन ने 50,000 रुपए का और बिल पकड़ा दिया। लंबा चौड़ा बिल देने में परिजनों द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने शव देने से मना कर दिया, जिस पर भड़के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया तो हॉस्पिटल का स्टाफ लोहे की लंबी लंबी रॉड लेकर हमलावर हो गए। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।
बलरामपुर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हत्याकांड का खुलासा हो गया है। सपा नेता फिरोज पप्पू की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। दरअसल बीते 4 जनवरी को उनके घर के सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं हत्याकांड का मास्टरमाइंड पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उसका दामाद निकला। पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान, दामाद रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में शामिल 3 अन्य मेराजुल, महफूज और शकील भी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि मेराजुल और महफूज ने हत्या को अंजाम दिया था। रमीज है और सांसद है, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग डेढ़ दो महीने पहले प्लानिंग बनी थी। अब पूर्णतः ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें। मुरादाबाद में बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पीछे नहीं रह रहे। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मेट्रो सिटी के साथ साथ छोटे शहरों में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर स्वास्थ्यकर्मी बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन में SDM और सिटी मजिस्ट्रेट भी बूस्टर डोज लेने पहुंचे। जिला अस्पताल के साथ कई सेंटरों पर ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कानपुर में संगठित अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना किदवई नगर पुलिस ने महिला अभियुक्ता को गांजे के साथ दबोच लिया। कंजडन पुरवा थाना किदवई नगर निवासी महिला के पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, उप निरीक्षक रमाकांत गौतम, कांस्टेबल मोहित कुमार, महिला कांस्टेबल रेणु यादव आदि शामिल रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कानपुर में संगठित अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना किदवई नगर पुलिस ने महिला अभियुक्ता को गांजे के साथ दबोच लिया है। आपको बता दें कि इसी महिला के जो गांजा बेचते हुए हमारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की जो कैमरे थे खुफिया कैमरे में कैद हुई थी, जिसके बाद इसको आगे बढ़ चढ़ कर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने दिखाया था, जिसके बाद अब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर होता नजर आ रहा है क्योंकि गांजा बेच रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।